ब्रेकफास्ट पे सबका खैर मकदम है, स्वागत है। फेसबुक के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू एक पिक्चर वायरल हुई थी धनमा से। एक गरीब जो थे उनके घर की जो छत थी वो गिर गई, जो कि पिछले दिनों जो बारिश और तूफान चला उसके कारण। ये धनमा के निवासी हैं और मैं कैमरामैन से कहूँगा आप थोड़े जो है जो घर जो छत गिरी है इनकी उसका व्यू दें। तो ये देखें, ये मकान था तो आधे से ज़्यादा पोर्शन इसका गिर गया। अभी इन्होंने थोड़ा बहुत साफ़ किया है। ये परसों की वारदात है, शाम की 3 बजे की। और हमारे साथ वो मौजूद हैं जो मकान है, खुद ये दिहाड़ी मजदूर हैं, मेहनत कर करके ये मकान बनाया और 2 दिन पहले ये मकान गिर गया। इनमें इनके बच्चे भी इंजर्ड हुए हैं, जिसमें एक बच्ची को सीरियस इंजरी भी आई है और डॉक्टरों के मुताबिक उसके जो सिर है उसमें क्लाटिंग बनी है, उसका ऑपरेशन होगा, उसके बाद जाके वो ठीक होगी। तो एक दिहाड़ी मजदूर के लिए इतना खर्चा करना बड़ा ही मुश्किल है और कोई गवर्नमेंट की तरफ से भी इनके पास कोई नुमाइंदा नहीं आया। सरपंच साहब इनके मुताबिक जो हैं वो आए थे, इन्हीं पे इनसे बात करेंगे। तो सर सबसे पहले बताएं आपका नाम क्या है। सर मेरा नाम सर जिनके 3 बजे 3:15 बजे ये हादसा हो गया था। ये तो किस दिन की बात है? ये 17 तारीख की है जी सर। तो मैं काम पर गया था, तो मेरे बीवी थी, बच्चे से यहाँ सोए थे, हमारे पास ये है तो छोटा सा घर, तो ये टूट गया तो हम गए वहाँ। तो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से आपके पास कौन कौन आया? सर कोई नहीं आया हमारे पास, हम वहाँ गए, रिपोर्ट लिखाई हमने, तो उन्होंने वो अभी मौका देखे हैं आप। रिपोर्ट आप करने गए, रिपोर्ट किस दिन की थी आपने? सर उसी दिन किया थी। कितने बजे? 5 बजे के। आप देखें हमारा कितना नुकसान हो गया, हमारी बेटियां के लग गई और उनको रेफर कर दिया, बोला ले जाओ इनको जम्मू या ले जाओ रजौरी, तो यहाँ इलाज नहीं चलेगा इनका, तो उनको बहुत टूटे आ गए जी। मैं कैमरामैन से कहूँगा, इनकी बेटियाँ यहाँ पे पास में बैठी हुई हैं, ये 2 बच्चियाँ हैं और एक बच्चे को भी जो है वो आई है इंजरी, लेकिन वो फिर भी उसका बचाव हो गया, लेकिन बच्चियों को काफ़ी ज़्यादा इंजरी आई है। और प्रशासन की तरफ से अभी तक इनके पास कोई नहीं आया है। घर की छत बनाना एक आम इंसान के लिए, एक मिडिल क्लास से जो एक दिहाड़ी लगा के जिसके लिए खाना खाना मुश्किल है वो, और क्यों यहाँ पर कोई आदमी नहीं आया, जबकि अगर कुछ और कोई वारदात हो जाती, अगर खुदा ना खवास्ता एक आधी मौत ही हो जाती तो जिम्मेवार कौन है? प्रधानमंत्री जी यहाँ पर लोगों को पक्के मकान देने की वादे करते हैं, उनकी डेवलपमेंट की बात करते हैं, ना तो इनके पास कोई जियो टैकिंग के लिए आया, और जियो टैकिंग वाले जो हैं अगर वो आते भी हैं तो वो किसकी जियो टैकिंग कर रहे हैं, वो मकान किसके बना रहे हैं? अगर हर साल 1 लाख या 2 लाख मकान बनता है एक स्टेट में या एक डिस्ट्रिक्ट में, तो वो किसके मकान बन रहे हैं? गरीबों की अगर आप हालत देखें तो कोई मकान नहीं उनका आता, तो कौन जिम्मेवार है? लिहाजा सबसे यह अपील है और गुजारिश है ये जेके फर्स्ट की तरफ से और इन गरीबों की तरफ से कि अगर कोई भी वॉलंटरी तौर पर इनकी मदद करे वो ज़रूर करे, क्योंकि जेके फर्स्ट की तरफ से आपको सारा इनका बायोडाटा दे दिया जाएगा। अगर कोई वॉलंटरी तौर पर इनकी मदद करता है तो वो भी अच्छी बात है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश है कि ऑन द स्पॉट आएँ, जगह की हालत देखें, बैठ कर इस तरह की बातें ना की जाएं जिससे कि एक इंसान अगर पहले ही दुखी है उसको और दुखी करें। इसी के साथ कैमरामैन विशाल शर्मा के साथ मैं दीपक शर्मा, जेके फास्ट, धनमा, कालापुर। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में इम्यूनिटी को बनाए रखना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मेरे लिए नहीं, क्योंकि मैं इस्तेमाल करता हूँ बुराक कलौंजी टेबलेट, जो बनाती है मुझे अंदर से मजबूत। 100% खालिस कलौंजी से तैयार एक आयुर्वेदिक शाहकार बुराक कलौंजी टेबलेट, हर मर्ज की ये दवा जिसमें है शिफा। आज ही खरीदिए